वहीं अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के साथ ही सीएए पर दुष्प्रचार कर रहे सभी विपक्षी दलों और नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ किया कि असम में सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष डिटेंशन कैंप के नाम पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की छठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं इन पर वहां पर सीए नहीं लागू होगा, और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। सीए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन नहीं है। सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी, आपका अवैध तरीके से भारत में आना ये शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति कानून दे रहा है। और आपको जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट ये भी दिखाते हैं कि सीएए पर विरोधियों की अलग अलग आपत्तियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। उन्होंने कहा सीए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू के बाद जमकर ये इंटरव्यू पर बात की है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सीए असंवैधानिक है, सत्ता में आते ही इसे वापस लेंगे, विपक्ष का कहना है। अमित शाह का कहना है हम किसी भी हाल में सीए वापस नहीं लेंगे, सीए को वापस लेना नहीं लेंगे। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी सही नहीं था, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। सीए मुसलमानों के खिलाफ है, सीए मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं क्योंकि भारतीय मुसलमानों के का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। केरल तमिलनाडु और बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे, ये अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये केंद्र का अधिकार है, लागू तो करना ही पड़ेगा। सीए संवैधानिक है, इसे वापस लेना असंभव है, हम किसी भी हाल में सीएए को वापस नहीं लेंगे। जो भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको दो टूक जवाब गृह मंत्री का। सीए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने एक सुर में सीएए का विरोध भी किया है। आप ही तो रोहिंग्या रोहिंग्या कहते थे, आप ही तो जो शरणार्थी आते थे उनको वापस भेज देते थे, आप ही तो हैं जो उनका विरोध करते थे। पूछना चाहता हूं कि टाइमिंग पर, ये तो हमने पारित कर दिया 2019 में, क्या आप चुनाव की सूचना जारी होने का इंतजार कर रहे थे कि उसके 4-6 दिन पहले करेंगे? टाइमिंग पे सवाल। बेरोजगारी 40 साल को छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, उस समय 2-2.5 करोड़ लोग जो ये आएंगे इनको आप अधिकार कहां से देंगे? इसमें आप धर्म की बाउंड्री क्यों लगाते? जो भारतवासी रहा है, आना चाहता है भारत में, उसका स्वागत करो। धर्म की कैटेगरी बांट कर तो आपकी बदनीयत ही सामने आती है कि आप जानबूझकर पोलराइजेशन करना चाहते हैं। ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ, हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। अब वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से भी पूछा कि क्या वो ये कह सकते हैं कि सीएए लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएए का विरोध कर रहे राज्यों पर कहा कि उन्हें हर हाल में सीएए लागू करना होगा क्योंकि ये राज्य के अधीन नहीं है, ये केंद्र का कानून है। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आई वॉस आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है।
अब वहीं अमित शाह ने सीएए का विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को दो टूक जवाब दिया और कहा कि ओवैसी के पास कोई तर्क नहीं है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को भी आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दशकों पुराने फैसले की याद दिलाई। एंटी मुस्लिम कैसे है? क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह बीजेपी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विश्लेषक है ऋषि मिश्रा। आप सबको नमस्ते और जय हिंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है। अनुराग भदौरिया, सीएए 2019 का जो ये अमेंडमेंट एक्ट है, इससे तकलीफ क्या है? देखिए, आपको आनंद जी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि हमने सारी कोशिश कर ली, प्रभु राम के नाम की राजनीति की, जनता ने उनका साथ नहीं दिया। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जनता ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद वो नहीं माने, फिर उनको लगा आप सीए लेके आ जाए तो शायद जनता उनका साथ दे देगी। उन्होंने नेता तोड़े, पार्टियां तोड़ी, तब भी जनता उनके साथ नहीं आई। अब वो परेशान है, वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि समाज के अंदर में मुद्दे जो हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पे चर्चा ना हो पाए। अरे प्रभु, हमारे हिंदुस्तानी किसान तो हमारा हिंदुस्तानी है ना, छात्र तो हमारा हिंदुस्तानी है ना, पहलवान महिलाएं तो हमारी हिंदुस्तानी है ना, और जिनपे आप अत्याचार कर रहे हो, मणिपुर की बेटियां भी तो अपनी हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? भैया, जो हिंदुस्तानी हमारे देश की नागरिकता छोड़ के विदेश में चले गए लाखों, उनकी नागरिकता वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? वो तो बिजनेसमैन भी है, आएंगे तो इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ रोजगार भी पैदा होगा, यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और पर्चा लीक हो रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अपने ही हिंदुस्तान के लोग परेशान है और अपने हिंदुस्तान के लोग दूसरी जगह रोजगार के लिए भटकते घूम रहे हैं, वार कंट्री में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए, आप उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? अपने लोगों को तो वैसे ही आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है, जिनको आप अनाज देके काम चलाना चाहते हो, उनको रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पा रहे हो। और अब तो अमेरिका की एक एजेंसी की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने सर्वे में पाया है कि 67 लाख बच्चे देश में रोज भूखे रहते हैं। सोचो आप, जिस देश के अंदर 67 लाख बच्चे रोज भूखे हों, और आप कह रहे हैं अब हम यहाँ पे सीए लागू करेंगे, इसके मतलब आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपसे अनुराग जी, अनुराग जी, अल्प विराम, क्योंकि अच्छा ठीक है जी, आप बताइए। आपने कहा था 100 दिन के अंदर में हम पूरे देश का काला धन स्विस बैंक से ले आएंगे सरकार बनने के बाद, वो तो आप ला नहीं पाए। अपनी बैंक एसबीआई से आप किस पार्टी को कितना चंदा मिला? अब आपको रुकना होगा, अब आप रुकिए। आरपी सिंह जी जवाब देंगे, पर मैं इतना कहूंगा, न्यूज 18 इंडिया के मेगा पोल में जहां पर उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए थे, 80 सीटों में से एनडीए को, बीजेपी लेड एनडीए को 77 सीटों का प्रोजेक्शन है। अभी आप जो कह रहे हैं कि जनता ने सब कुछ नकार दिया, नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था अनुराग, मेरे ऊपर ना बोले अनुराग। देखिए अनुराग जी, मैं जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूं आप सुनिए अनुराग जी, मैं बस तथ्य कह रहा हूं, अब आप सुनिए जी, धन्यवाद। बीच में ना बोले, आप बाद में बोलिए ना, आप बीच में ना बोले। मैं बस ये कह रहा हूं कि राम मंदिर से देश का, समाज का भला होगा कि नहीं, ये प्रश्न भी पूछा गया। कम से कम 64-65% रिस्पोंडेंट्स थे 118,000 पर्सनल इंटरव्यूज में से, जिन्होंने कहा हाँ देश के लिए अच्छा है। ये दो आंकड़े एक तरफ है, एक आपका क्लेम है कि इस सबसे कुछ हुआ नहीं, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सीएए का रूल नोटिफिकेशन लाया गया। एक मिनट, सरदार आरपी सिंह, एक्ट पास हुआ, नहीं, एक्ट लाया गया 2019 में, पास हुआ 2020 में, रूल नोटिफिकेशन अब 2024 के चुनाव से पहले किया जा रहा है, तो ये चुनावी दाव है कि नहीं है, ये सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ये दूसरा प्रश्न।
अनंत, सबसे पहली बात ये समझें कि ये जो कह रहे हैं कि लोगों ने नकार दिया, अरे अभी हाल में 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, आपको नकारा, हमको आशीर्वाद दिया, आप सब मुद्दे लेकर गए थे वहाँ पर, और अभी लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसमें भी लोग उत्तर दे देंगे, कोई आपके पास कोई नया थर्मोमीटर है जहाँ लोग अभी कहाँ वोट देने जा रहे हैं वो आपने बता दिया, परंतु इनके पास कोई और अलग प्रकार का थर्मोमीटर है तो उससे जानकारी दे देंगे, क्या जानकारी है? इनका राम के नाम पे नकार दिया, पुलिस और ईडी सीबीआई के नाम पे नकार दिया, 1,00,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बीच में ना बोले, ये ना करे प्लीज, थोड़ा शिष्टाचार आपसे आग्रह है, आप सबसे प्लीज जी। आरबी सिंह बोले जी। दूसरी बात सीए के मामले में 2020 के अंदर कानून पास हो गया, उसको जो उसके रूल्स हैं वो अभी आए हैं, वो लोग 2014 से पहले के जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए है, और वो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, ये हवा खड़ा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर 30,000 की संख्या है, ये जानकर एक हवा खड़ा कर रहे हैं, और ये किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, देश में किसी के खिलाफ नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको एक नेचुरल कोर्स के अंदर जल्द से जल्द उनको सिटीजनशिप मिले। और इसके कारण से ये भी बड़ा स्पष्ट कर दूँ कि मुसलमानों की सिटीजनशिप रुक नहीं रही, अगर वहाँ से कोई आएगा, अदनान सामी सबसे बड़ा उसका एग्जांपल है, ऐसे जो लोग आएंगे उनका एक अलग कोर्स है, उनका अलग तरीका है, परंतु एक जो 2014 से पहले के यहाँ पे आगे उनको सिटीजनशिप मिल जाए इसमें क्या बुराई है? जिन्होंने कभी देखा नहीं ना सिखों की बेटियों के साथ, सिखों के साथ क्या हाल होता है? 20,00,000 सिख थे 1947 के समय में जब बंटवारा हुआ, एक सेकंड दे दिए, जब बंटवारा हुआ 20,00,000 सिख थे पाकिस्तान में, आज कुल मिलाकर 6,934 सिख है, तो देखता है कि वहां पर क्या दुर्दशा हो रही है हमारे लोगों की, हमारे ननकाना साहब पे गोलियां चलती है, पत्थरबाजी होती है हमारे यहाँ। तो मेरा एक प्रश्न है आरपी सिंह जी से पहले कि अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी, मुझे बस एक प्रश्न पूछने दीजिए आरपी सिंह जी से कि अगर ये ऐसा है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो नागरिक आए हैं ये नागरिकता कानून उनके लिए ही है, तो फिर ये मार्च 2024 तक इसकी रूल नोटिफिकेशन क्यों 4 साल तक कोई रूल नोटिफिकेशन नहीं हुई? क्या 4 साल तक ये प्रताड़ित नहीं थे? 4 साल से ये करीब 30,000 की संख्या जो है 10 साल से भारत में है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनके घरों में वहां पर सांप बिच्छू घूमते हैं, ऐसी जगहों पर इनको रखा गया जब बिजली नहीं है, तो 10 साल से क्या ये प्रताड़ित नहीं थे? जी अनंत, आपने बिल्कुल ठीक है, परंतु आप भूल रहे हैं इसी काल के बीच में कोरोना भी आया, और कोरोना के बाद की भी जो दिक्कतें रही उसको रिजॉल्व करते समय लगता है, और ये इस प्रकार नहीं, और इसमें फीडबैक भी लिया गया कई लोगों से, और एक मकूल सिस्टम, जो पक्का सिस्टम वो लागू किया गया ताकि कल दिक्कत ना हो किसी को, जो जिनको सिटीजनशिप मिल जाए उनको दिक्कत ना हो, ये पूरा प्रोसेस उसको लागू किया गया। परंतु मैं जो बात कर रहा हूँ ये खामखा में मुसलमानों को डराने के लिए, वोट बैंक के चलते हुए डराने के लिए एक डुगडुगी सी बजा रहे हैं कि नहीं 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 सीए से आपकी नागरिकता चली जाएगी, देश के मुसलमानों की नागरिकता चलेगी। किसी भी हिंदुस्तानी की नागरिकता सीए से जाने वाली नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। मैं आपके चैनल से व्यूअर्स को और देश के सब नागरिकों को अपील कर रहा हूं कि ये जो डरा रहे हैं इनके डर में मत। तो आपका ये कहना है कि कोई भी हिंदुस्तानी गैर हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा, लेकिन जो जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है वो हिंदुस्तानी भले हो जाएंगे। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, ऋषि मिश्रा उसके बाद आपके पास आता हूं।